अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया बहुत तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। खतरा आटमी जंग का है क्योंकि दोनों तरफ से न्यूक्लियर ट्रायड एक्टिव हैं। रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस अपनी सरमत, जिरकॉन और किंजल जैसी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। लेकिन मिसाइल के मुकाबले की सबसे बड़ी खबर सिर्फ कुछ घंटे बाद अमेरिका से आने वाली है। फ्लोरिडा में दुनिया की सबसे तेज, सबसे ताकतवर, सबसे विनाशक और सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट लॉन्च होने वाला है, यानी वो महाविनाशक मिसाइल लॉन्च होने वाली है जो वर्ल्ड वॉर 3 का नतीजा तय करेगी। इसलिए अब देखिए, टूट गया एटमी करार, अब रफ्तार से वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिनकी उड़ान देखना और उन्हें रोकना नामुमकिन है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिनकी जंग शुरू हो चुकी है। सरमत, किंजल और जिरकॉन जैसी मिसाइलें बनाकर रूस मिसाइलों के खतरनाक खेल में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन अब अमेरिका हाइपरसोनिक की जंग में पूरी ताकत से कूद गया है। फ्लोरिडा में अमेरिका अब तक की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे तेज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। फ्लोरिडा में मौजूद अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर में इस वक्त दुनिया की सबसे तेज मिसाइल के टेस्ट लॉन्च की तैयारी चल रही है। स्पेस सेंटर के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर के बाहर एक नया लॉन्च विंडो बनाया गया है। पूरे इलाके में अस्थायी उड़ान प्रतिबंध, नोटिस टू एयर मिशंस यानी नोटम्स लागू कर दिया गया है। अमेरिका रूस को किंजल, सरमत और जिरकॉन का जवाब देने वाला है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी ओसिएंट ने अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट से पहले के सैटेलाइट फोटो जारी किए हैं। एक तस्वीर में अमेरिका की मिसाइल लॉन्च साइट पर दो मिसाइलें लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार दिखाई दी हैं। अमेरिका कई बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। हथियारों की तकनीक के मामले में दुनिया में नंबर वन देश अब तक अपने हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर संतुष्ट नहीं है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें लगातार अमेरिका के मिसाइल वैज्ञानिकों को परेशान करती हैं। लेकिन इस बार अमेरिका अपनी पिछली गलतियों से सीखकर सबसे बड़ा टेस्ट करने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त अमेरिका से दुनिया की सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल के सफल परीक्षण की बड़ी खबर आ सकती है। अमेरिका अपने जिस सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियार के 100% सफल टेस्ट लॉन्च के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है, वो LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है। इस मिसाइल का नाम अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन इसे डार्क ईगल कहा जा रहा है। अमेरिका के इस घातक परीक्षण से रूस तक खलबली मची है। फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर पर मची हलचल ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। डार्क ईगल के टेस्ट से जुड़ी तैयारियों की तस्वीर सामने आने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि अमेरिका यहां अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस की किंजल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज होगी। अमेरिका की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज भी किंजल और जिरकॉन से ज्यादा होने का दावा किया गया है। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का वजन करीब 7,400 किलो होने का अनुमान है। इसकी रेंज 2,775 किलोमीटर से ज्यादा होगी और स्पीड कम से कम 20,276 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर ऑर्डर दे रहे हैं। रूस में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रफ्तार से दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मास प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा करना पुतिन की मजबूरी बन गया है क्योंकि अमेरिका में खुफिया तरीके से एक खास मिशन पर काम हो रहा है। ऐसा मिशन जिसमें कुछ मिनटों के अंदर रूस के किसी भी कोने को तबाह करने की ताकत हासिल करनी है और धरती के किसी भी कोने को एक घंटे के अंदर बर्बाद करने वाला बारूद इकट्ठा करना है।
ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका आज भी मिसाइल से तबाही मचाने के मामले में रूस से कमजोर हो। आज भी अमेरिका के पास वो ताकत है कि अगर दोपहर के 12 बजे व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर मिस्टर प्रेसिडेंट बीजिंग की तबाही तय कर दें, तो 12:28 पर धमाका हो सकता है। अमेरिका के पास वो शक्ति है कि अगर दोपहर 12 बजे ईरान का समूल नाश करने की फाइल पर दस्तखत हो गए तो 12:30 तक ईरान नहीं बचेगा। अमेरिका के पास वो ताकत है कि अगर दोपहर 12 बजे जो बाइडेन मॉस्को में एटम बम दागने का मन बना ले तो 12:35 पर मॉस्को में रेडियो एक्टिव तबाही फैल चुकी होगी। अमेरिका वो ताकत हासिल कर चुका है कि अगर दोपहर 12 बजे पेंटागन से नॉर्थ कोरिया में एटमी ब्लास्ट के ऑर्डर्स पर फाइनल मोहर लग गई, तो 12:36 पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिकी बेस मौजूद है। दुनिया का ऐसा कोई बड़ा हिस्सा नहीं जहां कुछ ही मिनटों में अमेरिकी फाइटर जेट्स या मिसाइल ना पहुंच सके। अमेरिका ऐसे एक नहीं बल्कि कई ऐसे हथियार बना चुका है जिनसे सिर्फ एक घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से का वजूद मिट सकता है। हथियार जो एक बार लॉन्च हो गए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई डिफेंस सिस्टम या कोई वॉर स्ट्रेटजी उस तबाही को रोक नहीं पाएगी। ताकत के इंटरकॉन्टिनेंटल खेल का असली खिलाड़ी तो अमेरिका ही है। रूस ने तो हमेशा अमेरिका के इन हथियारों का जवाब तैयार किया है, लेकिन पहली बार अमेरिका को रूस की सरमत, किंजल और जिरकॉन जैसी मिसाइलों की ताकत का जवाब तैयार करना पड़ रहा है। दिसंबर 2022, टेस्टिंग रेंज कैलिफोर्निया। अमेरिकी एयरफोर्स ने चीन और रूस के बढ़ते खतरे के बीच पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल ने टेस्ट के दौरान आवाज की 5 गुना से ज्यादा रफ्तार से अपने टारगेट पर अटैक किया। इस मिसाइल को अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स से दागा गया था। अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का कोड नेम रखा AGM-183A, यानी दुनिया की नजर में आए अमेरिका के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। इस मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे एक एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम बताया। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी USAF ने दुनिया के सामने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि वो दुनिया को हिरोशिमा के एटम बम जैसा सरप्राइज देकर शॉक में ले जाए। इसलिए पेंटागन और अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं जानता कि अमेरिका ने अपने हथियार डिपो में कौन कौन से हथियार छिपा रखे हैं। लेकिन 9 दिसंबर को अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर दुनिया को दी। अमेरिकी एयरफोर्स ने बताया कि AGM-183 एक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल है। इसका मतलब है बूस्टर रॉकेट के जरिए बारूद के गोले को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका काफी वक्त से इस मिसाइल को टेस्ट कर रहा था। कई बार नाकामी मिलने से प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए जाने लगे थे। हालांकि अब
इस हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम की सफल टेस्टिंग की गई है। अमेरिका स्पीड से खेलना चाहता है, इतनी तेज मिसाइल जिसका कोई तोड़ दुनिया के पास न हो, और पुतिन चाहते हैं कि वो इस खेल में अमेरिका से एक कदम आगे रहे। अब आपको बताते हैं कि पुतिन सरमत और जिरकॉन जैसी मिसाइलों के मास प्रोडक्शन के लिए मजबूर क्यों हो गए। दरअसल अमेरिका के पास एक नहीं बल्कि कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज में पूरा रूस आता है। खतरनाक है अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल। मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका वजन 36,030 किलो है। मिनटमैन मिसाइल एक साथ 3 टारगेट पर एटम बम दाग सकती है। मिनटमैन 3 मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अगस्त 2022 में अमेरिका ने 2 बार मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अमेरिका का नया हथियार नहीं है, लेकिन यह अमेरिका की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है। अमेरिका के पास दुनिया भर में मिनटमैन 3 की कम से कम 530 यूनिट एक्टिव हैं। दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए मिनटमैन मिसाइल को जमीन के अंदर बने हार्ड साइलों में रखा जाता है, यानी अमेरिका की मिनटमैन मिसाइलें जमीन के अंदर रखी जाती हैं। ये साइलो केबल के जरिए जमीन के अंदर बने लॉन्च कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। इस कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे 2 अधिकारी तैनात होते हैं। इनको लॉन्चिंग का आदेश सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास मौजूद न्यूक्लियर लॉन्च कोड के जरिए दिया जाता है, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए सीधे संपर्क में रहते हैं। अमेरिका और रूस तेजी से दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह करने की ताकत हासिल करने में जुटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे से एक कदम आगे रहना चाहते हैं। जिरकॉन और सरमत जैसी मिसाइलों की ताकत दिखाकर रूस इस रेस में एक कदम आगे दिख रहा है, लेकिन अब फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर पर मची डार्क ईगल लॉन्च रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट लॉन्चिंग की हलचल के बाद मिसाइल शक्ति से समीकरण बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।